किसान आंदोलन को लेकर हजारों की तादाद में किसान आज इंद्री की अनाज मंडी में एकत्रित हुए। किसान आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। भारतीय किसान यूनियन के हलका प्रधान सतीश कलसोरा ने कहा कि अपने हक की लड़ाई को लेकर किसान पीछे नहीं हटेंगे, भले ही कितना समय लग जाए। उन्होंने बताया कि जो किसान धरने पर जा रहे हैं, उनके खाने पीने के लिए 6 महीने का राशन ट्रैक्टर ट्रॉली में जमा हो गया है। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी, किसान वहां से वापस नहीं आएंगे। चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, किसान तैयार है। सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। दिल्ली रवाना होने से पहले किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाए। यह हमारे देश का इतिहास भी रहा है। किसान भाजपा सरकार को इसका करारा जवाब देंगे। आज दिल्ली जरे और पूरे जोश होश से जरे, क्योंकि एक कानून थोपे जा रहा धक्के से मर पे, उसका विरोध आया। और मैं रहेंगे इतना जब तक ये कानून काले कानून वापस नहीं होते। और पूरे जोश होश से पूरे इंद्री से हजारों की संख्या में आदमी निकल रहे। सभी इंद्री के क्लास किसानों ने एक संकल्प लिया कि आज काफले के रूप में निकलेंगे, क्योंकि आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है और उन्होंने सजग किसान की बात करी है। और किसानों के ऊपर जो तीनों काले कानून थोप दिए सरकार ने, उनको वापस कराने के लिए, उनको रद्दी के टोकरी में गिराने के लिए ये किसान सभी दिल्ली जाने लग रहे। जब तक वो वापस नहीं होंगे, तब तक वहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। जीत कर तभी वापस आएंगे। सब राशन साथ ले लिया, वहाँ राशन पहले से बचा रखा, राशन की कोई चिंता नहीं। और ट्रालियाँ लग रही, उनमें भी राशन है। राशन की तो वहाँ सब तरीके की सुविधा कर दी, गर्म पानी की, सेब बनवाने की, कपड़े धोने की, खाना बनाने की, सोने की, किसी भी तरीके की तो कोई चिंता नहीं। अभी तो एक ही है कि जब ये सरकार वापस तीनों काले कानून ले लेगी, हम घर आ जाएंगे, नहीं तो बैठे। जैसे किसान आंदोलन है, सभी को पता है, उसमें जो किसान वहाँ बैठे हैं उनका सहयोग करने के लिए हम गए हैं। अपना कम से कम 50 कार हैं और 2 ट्राली हम अपना कम से कम 2 महीने का राशन लेके चले हैं। और ये आंदोलन जो है ना, ये आंदोलन सिर्फ ये किसानों का नहीं लगा के चलो, ये तो टोटल जो किसान से जुड़े हैं उसका भी है। और ये आने वाले समय भी इन्होंने एक चेताया कि किसान संभलो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और राजनीति में सक्रिय हो, क्योंकि इस आंदोलन ने हमें यहीं तक नहीं बहुत कुछ सिखाया है। आने वाले समय में वो सरकार को पता लगेगा इसके बारे। बिल्कुल वहीं अपना महीने का राशन लेके हम चल चुके हैं यहाँ से। जो ये सरकार ने 3 काले कानून थोपे हमारे पास, इनके विरोध प्रदर्शन में हमारे किसान भाई इतने पहले भी 4-5 बार जा चुके हैं, लेकिन अब की बार तो हम परमानेंट जा रहे हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, हम वहाँ से वापस ही नहीं आओगे। अपना खाने पीने का राशन हमने ट्रैली में 6 महीने तक का ले लिया, बाकी और पीछे जो हमारे आदमियों ने कहा, बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब भी सामान की जरूरत पड़ा पूरा सामान वहाँ पहुँचाऊंगा।